अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सुमन झा, यू आर अंडर अरेस्ट। तलाशी लो पूरे घर की। मैडम, वहाँ कोई भी नहीं है। मैडम, यहाँ भी कोई नहीं है। हमें लगता है वो मियाँ बीवी चकमा देकर कहीं और भाग गए। पर कहाँ भाग गए हैं? Thank God. मैं तो मरने के बहुत डर गया था। अच्छा हुआ अंशुमन जी कि आपको आपको माया के प्लान के बारे में पता चला और आपने हमें मैसेज करके बोला कि आपको फोन में कोई गलत एड्रेस बता दे। अब हमें पुलिस नहीं खोज पाएगी, वो उसी गलत एड्रेस पे जाएगी। ये खून कैसा? तुम्हें गोली लगी है? नहीं अंशुमन जी, गोली बस छूकर निकल गई। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक हो जाएगा, हम ठीक है। तुम यहाँ बैठो अंशुमन जी। बैठो यहाँ, मैं अभी आता हूँ। वैसे ये सब करना आपने कहाँ से सीखा? एक डॉक्टर का पति हूँ मैडम, अब अगर इतना भी नहीं सीखा तो क्या खाक सीखा? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। बोलो, सीखना चाहोगे? क्या सिखाएंगे आप हमें? आस पास देखो, दोनों यहीं कहीं होने चाहिए। अंशुमन जी, पुलिस। पुलिस? जीपीएस ट्रैकर के हिसाब से तो दोनों यहीं कहीं होने चाहिए, पर ये मिल क्यों नहीं रहे हैं? सुमन, अपना फोन 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 ये लोग हमारे फोन का जीपीएस ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमें इन्हें मिस गाइड करना होगा। ध्यान से। मैडम, अंशुमन और सुमन झा के फोन घर के बाहर मिले हैं। लगता है हमें भटकाने के लिए फोन यहीं फेंक गए हैं। मैडम, बहुत चालाक खोपड़ी के हैं ये मियाँ और बीवी। ये चालाकी उन पर बहुत भारी पड़ेगी। अब ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें छुपने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। अंशुमन जी, हम एक ऐसी जगह जानते हैं जहाँ पुलिस हमें नहीं ढूंढ पाएगी। आप हमारे साथ चलिए। चलो। बाबूजी, आपके कमरे की बत्ती जल रही थी तो सोचा आपसे मिल लूं। सब ठीक है ना? बाबूजी, ये क्या है? पैसे, गहने और ये तिजोरी भी खुली है। ये पैसे, ये गहने किस लिए निकाले हैं? बाबूजी, कहिए आप, ये पैसे और गहने माया को देने के लिए तो नहीं जा रहे? एकदम सही कहे, ये सब कुछ हमें देने ही आ रहे हैं वो। और वैसे भी आपके पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? हम उनकी होने वाली पत्नी है, हम उनसे कितना भी लेन देन कर रहे हैं, आपको इससे क्या? और बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए हैं क्या? बाबूजी, आप ऐसे ही चुप रहेंगे या इनसे कुछ आप कहेंगे? उनसे क्या बात कर रहे हो, हमसे बात करो। और एक बात याद रखो, आइंदा से मियां बीबी के बीच में टपके ना तो तुम्हारा
ऑमलेट बना देंगे। हाँ क्या हो रहा है ये सब? और आप झाजी से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? और हम सब ने आपका बिगाड़ा ही क्या है जो आप हमारे परिवार के ऐसे पीछे पड़ गई हैं? बस करिए अब। अरे बाहू जी से तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते, ये तो बस में आ गए इस डायन के। अरे विधाता, किस जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे, कुछ तो रास्ता दिखाइए। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है हम पे, है ना? और हाँ, कल शादी के साथ फंक्शन में एक सरप्राइज है। आज सब लोग शादी के फंक्शन के साथ सरप्राइज के लिए तैयार रहना। क्यों बड़की बहू, नई दुल्हन का स्वागत नहीं करोगे? जाइए जाइए। आप जानते हैं अंशुमन जी, जब हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए थे ना, तो हम और शिखर भैया कुछ समय के लिए इसी अनाथालय में थे। यहाँ की जो वार्डन है आशा, वो हमारी पुरानी दोस्त है और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगी। आप यहीं रुकिए, हम अभी आशा को बुला कर लाते हैं। ये आवाज़ें कैसे? अंशुमन जी चलिए चलकर देखते हैं। जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। जान भी प्यारी है और ईमान भी। इसलिए इस लड़की को तो इस हाल में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तेरी हड्डियां जरूर तोड़ेंगे। तुम जैसे लोगों को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। कोई बात नहीं, भाग कैसा है? हम है ना, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। थैंक यू सो मच, आप दोनों मेरे लिए फरिश्ते बन के आए हो, सच में। पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम ठीक हो कि नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ दीदी, आप सही वक्त पे आके आपने मुझे बचा लिया। आशा दीदी नहीं थी तो यहाँ के टीचर मुझे छेड़ देते। टीचर के भेस में ऐसा काम, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखो हम है ना यहाँ, और जब तक आशा दीदी नहीं आ जाती हम यही है तुम्हारे साथ, तुम डरो मत। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अभी कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया इसने? तो बाके बिहारी जी, माया की जिंदगी में ये दिन बहुत जमाने के बाद आया। हमें तो लगा था कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, पर आ गया। माया की आज शादी होने वाली है और सबसे पहला नौरता हम आपको दे रहे हैं, तो आपको जरूर आना है। हाँ, और शादी के साथ साथ गोद भराई की भी रस्म है, भूलना नहीं। हाँ लेडी मुगाम्बो बनी मीना कुमारी, शादी के न्योता के साथ साथ गोद भराई का भी न्योता दे रही है, देख लीजिए। इसे हमें टुकर टुकर करके क्या देख रहे हो? अब माया की शादी राय बहादुर जी से होगी तो कार्ड तो बटेंगे ही ना। ई लो, तुम भी लो न्योता।
तुम भी लो, मत लो। अरे लेकिन रस्मों के साथ साथ गोद भराई की रस्म क्यों लिखी गई है? हाँ तो माया का अंदाज अलग है, स्टाइल अलग है, जीने का तरीका अलग है, तो कार्ड भी तो अलग ही होगा ना। आज तक किसी की शादी के साथ गोद भराई की रस्म हुई है का? नहीं हुई है ना? हाँ तो हमारी होगी क्यों जी। और ये कार्ड बटेंगे शहर के बड़े बड़े नामी हस्तियों के पास। तो इसी बात पे बजाओ मंजीरा। पता है रिंकी, हमारी सुरभि माँ क्या कहती है, जब रोना बंद ना हो और डर शरीर को जकड़ कर रखे तो कुछ मीठा खा लेना चाहिए। डर और दिमाग दोनों हल्का हो जाता है ना अंशुमन जी? बिल्कुल सही कहा सुमन। और वैसे भी नए दिन की शुरुआत हो चुकी है रिंकी, अब नई शुरुआत के साथ सब अच्छा ही होगा। रिंकी, रिंकी तू ठीक है ना? आशा दीदी, मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना बेटा? सुमन, मैं तुझे जितना भी थैंक यू कहूँ कम है। तुझे नहीं पता तूने मेरे लिए क्या किया है, तू सच में भगवान बनकर आई है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। नहीं आशा, कुछ नहीं हुआ है रिंकी को, और देखो तुम्हारी आंखों के सामने सही सलामत खड़ी है रिंकी। तुझे कुछ नहीं पता सुमन, तू कुछ नहीं जानती है। अंशुमन जी, आप रिंकी को नाश्ता करवाइए, हम आशा से बात करके आते हैं। चलो आओ रिंकी, नाश्ता करो। अरे बंद करो, क्या है तुम्हारी नुक्कड़ की चिंकी पिंकी टिंकी की शादी नहीं है यहाँ पे? ये माया का फंक्शन है, माया का फंक्शन, और माया के फंक्शन में तड़कता भड़कता गाना होना चाहिए, वरना हम तुम्हारा बैंड बाजा बना देंगे। बजाओ। क्या ये सब दीदी? हमें नहीं लगता कि जो तुम लोग सोच रहे हो हमें तुम लोगों का साथ देना चाहिए उसमें। अरे देखा नहीं तुम लोगों ने, कितनी बड़ी बंदूक लिए बैठी है, और बंदूक तो उसके पास हमेशा ही रहती है। अरे छुटकी, ये प्लानिंग बच्चों का जरूर है, पर इस प्लानिंग में दम बहुत है। और सुनो, अगर इस माया नाम का डायन का तुम अभी से नहीं पकड़ा ना, तो ये बड़ा सा मुंह खोल के हम सबको हजम कर जाएगी और डकार भी नहीं मारेगी। बूझो बात को। माँ बिल्कुल सही कह रही है, माया के अत्याचार का हमें अंत किसी भी तरीके से करना होगा। माँ प्लीज हाँ बोल दीजिए। सुमन दीदी और अंशुमन भैया तो बेचारे पुलिस के चक्करों में फंसे हुए, लेकिन इस घर के प्रति हम सब का भी तो कुछ फर्ज है ना सुरभि माँ? हैं? एका, अरे आज सूरज कहाँ से निकला जो ये बकलोल के मुंह से ही अमृत वचन फूट पड़े। देख लो छुटकी, हम सब तो साथ हो गए, बस तुम्हारा कमी है। बोलो साथ दोगी कि नहीं हमारा? अच्छा ठीक है, माना माया को काबू कर भी ले, लेकिन उसके गुंडों का क्या, उनको कैसे काबू करेंगे? अरे उसका इंतजाम हो गया समधन जी। क्या? हम नींद का गोली का शरबत सबको पिला दिए हैं और सब सुक्का नींद सो गए। पर मामी जी, ये पैतरा हम पहले भी अपना चुके हैं, कहीं माया को शक हो गया? नहीं नहीं, हमें कुछ कुछ और सोचना होगा, कुछ और करना होगा हमें। पहले अपनाए थे ना, इसलिए माया को बिल्कुल शक नहीं होगा कि हम ये दोबारा करेंगे, उसकी बेवकूफी का ना हम फायदा उठाएंगे। अरे इतना भाव काहे खा रही हो छोटकी, बोल दो ना। हाँ प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, बोलो क्या करना है? ठीक है। आशा तुम इतनी घबराई भी क्यों? हमें बताओ कि बात क्या है? सुमन वो मुझे नहीं छोड़ती। सुमन क्या बात है? मायाबाई। मायाबाई, लेकिन उसका रिंकी से क्या लेना देना, हमें पूरी बात बताओ। पहले वादा कर। किया वादा,
अब बताओ। ये बात किसी को मत बताना। ये बात रिंकी को भी नहीं पता कि रिंकी रिंकी क्या कि रिंकी माया बाई की बेटी है। क्या रिंकी माया बाई की बेटी है? हाँ। और रिंकी भी नहीं जानती कि माया उसकी माँ है? नहीं। लेकिन इतनी बड़ी बात माया ने अपनी बेटी से क्यों छुपाई? क्योंकि माया ये नहीं चाहती कि उसकी घिनौनी जिंदगी का असर उसकी बेटी रिंकी पर पड़े। पर ये लीजिए हमारे लिए। आप थक गई होंगी ना? ताजा मौसमी संतरा आंवला सबका मिक्स जूस है, पी लीजिए। थैंक यू। और ये खाओ। इलट्टू, ऐसे समय में पोषण का खास ख्याल रखना होता है। इसमें बादाम सदाम सब भरा हुआ है, खाओ। ये क्यों हो रहा है? हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। ये उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है भाई? अरे बड़की बहू के मुंह से हमारे लिए फूलों की माला कहाँ से निकल रही है? चमत्कार कैसे होगा भाई? ये चमत्कार ही तो है। आपकी शादी हमारे बाबूजी से हो रही है, यानी कि आप इस घर की सबसे बड़ी सास बनने जा रही हैं। और तो और आप इस घर को वारिस भी तो दे रही हैं। और फिर हमने भी किस्मत से समझौता कर ही लिया है, जिसमें हमारे बाबूजी खुश उसमें हम सब खुश। क्यों जीजी? और हम सोचे सब मिलके कि घर का शांति बनाए रखना है तो ऐसा करना पड़ेगा ना, हाँ छुटकी? जी दीदी। हाय हाय हाय, अरे ईका, अब कब से एक ही पैर पे खड़ी है, वो भी हाल में? बिल्कुल अच्छा नहीं। ना 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 ना, आप इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, हटाइए जरा। हाँ बैठिए, हम पकड़ लें। और आपको आपके होने वाले बच्चे की कसम है, जो आप यहाँ से तनिक भी हिली तो लीजिए, और ये जूस को ना चुस्की मार मार के पीजिए। हाँ, लगता है आखिर में तुम लोगों को माया की ताकत का अंदाजा हो ही गया। हाँ, अपने हथियार डाल दिए ना। कहाँ गया, मिल क्यों नहीं रहा है? थैंक गॉड, मिल गया। सुमंदी, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने लॉकेट बनाया था। सोचा था जब मुझे मेरी माँ मिल जाएगी तब मैं उनको ये दे दूँगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे कभी नहीं मिल पाएंगी, वो तो है ही नहीं। लेकिन मुझे मेरी बहन मिल गई आपके रूप में। मैं ये लॉकेट आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने इस अनाथ को खोई तो दिया जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं रिंकी, इस दर्द से हम भी गुजर चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास हमारा परिवार है। रिंकी, तुमने हमें क्या कहा? अपनी बहन ना, अगर आइंदा से खुद को अनाथ कहा ना तो आप क्या करोगे? तो ऐसे हम तुम्हारा कान खींचेंगे और तुम्हें अपने गले से लगा लेंगे। वैसे रिंकी, तुमने हमें अपनी बहन कहा, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, हम पर इतना विश्वास दिखाया, बस वही हमारे लिए काफी है। ये लॉकेट तुम अपनी माँ को देना, तब तक इसे संभाल कर रखो
और जब तुम्हें तुम्हारी माँ मिलेंगी ना, हम तो कहते हैं उन्हें अपने हाथों से पहना देना। मगर मेरी माँ तो गई नहीं, तो मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? रिंकी, अब जो बात हम तुम्हें बताने वाले हैं वो सुनकर तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे, इसलिए आराम से सुनना, ठीक है? सच ये है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। मेरी माँ जिंदा है, मैं उनसे मिल सकती हूँ? सच में आप भगवान बन के आए हो? आपकी यादें, आपने मेरा सब कुछ बदल दिया। अब प्लीज ये भी बता दो कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है, और मैं उसे कहाँ पर मिल सकती हूँ? रिंकी, हम तुम्हें सब बताएंगे, लेकिन सही समय आने पर। सही समय मतलब दी प्रॉब्लम क्या है? रिंकी, इस वक्त हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। तुम्हारा साथ ही उस मुसीबत को टाल सकता है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? दी, आपने तो मेरी जान बचाई है, आप मेरी माँ से मिलाने वाले हो, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। दी, बताइए क्या करना होगा? माया भाई, अब तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो।